आज हम चैंपियंस की तरह आज तो चाप बनता है कि नहीं बनता आज पाकिस्तान वाले डांस कर दो डांस करो भाई आज फकर जमान में चाहता हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट स्टूडियो में सरदार फकर बड़ी जबरदस्त इनिंग्स बढ़िया फकर जमान क्या इनिंग खेली यार फकर जमान ने सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान टीम बिल्कुल गिर चुकी थी आयरलैंड से हारने के बाद लेकिन दूसरे मैच में ही पाकिस्तान टीम आज जबरदस्त तरीके से जीत चुकी है और सिर्फ एक बंदे ने जिताई है जिसका नाम है फखर जमान जिसका दोस्तों साथ दिया है मोहम्मद रिजवान ने। फखर जमान में बहुत बड़ी कमी ये है कि दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा स्लो स्टार्ट लेता है और उसके साथ जो प्लेयर उसका पार्टनर है अगर वो सही खेलेगा तो फखर जमान सही खेलेगा। पिछली बार आप न्यूजीलैंड के मैच देख लीजिए वर्ल्ड कप में बाबर आजम एक तरफ से सही खेलना शुरू करता है तो फखर जमान तबाही फेर देता है। आज देखें तो मोहम्मद रिजवान जबरदस्त पारी खेलते हैं वो जबरदस्त छक्के और चौकों की बारिश करते हैं तो दूसरी तरफ फखर जमान भी शुरू हो जाता है और फखर जमान उनसे ऊपर हो जाता है। फखर जमान ने 6 छक्के और 6 चौकों से 40/78 मारे हैं और जबरदस्त पारी खेलकर पाकिस्तान को जो जीत दिलवाई है वो फखर जमान की तरफ से हुआ है क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान के सामने 193 का रन था जो उन्होंने आयरलैंड वालों ने 20 ओवर में बनाया 7 विकेटों गवा कर जबकि पाकिस्तान ने ये रन जो चेस करना था ये 120 बॉलों पे करना था और पाकिस्तान ने 16.5 ओवर में 95 का रन बना दिया। दोस्तों अभी 17वां ओवर नहीं हुआ था एक बार रहती थी तो पाकिस्तान इस मैच को जीत चुका था। अभी पाकिस्तान ने 17वें ओवर में यानी दोस्तों 19 बॉलें रहती थी तो पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत गया था जबरदस्त तरीके से इस मैच को जीत लिया है पाकिस्तान का। अब दोस्तों इस मैच से जीतने से ये हुआ है कि आयरलैंड वाली सीरीज अब पाकिस्तान और आयरलैंड 1-1 बराबर हो गए हैं। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मैच होगा अगर पाकिस्तान वो जीत जाता है या फिर आयरलैंड जीत जाता है दोनों में से अगर एक भी जीत गया तो वही सीरीज ले जाएगा। यहाँ पर सीरीज अगर टाई हो जाती है आगे ही अगला मैच जो होगा वो आपको फाइनल के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन फखर जमान की पारी वापस आना ठीक दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त साइन है। और दूसरी तरफ देखें तो आजम खान ने लास्ट में आकर जो छक्के मारे हैं ऊपर नीचे दोस्तों वो भी एक बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। उन्हें चाहिए कि अगर जल्दी आ जाते हैं यानी अगर फर्स्ट विकेटें जल्दी चली जाती हैं तो वो अगर आए तो फिर भी वो वैसे ही खेलें ऐसे ही छक्के और चौकों की बरसात कर दे तो पाकिस्तान टीम के बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत हो जाएगा। अगर बैटिंग ऑर्डर मजबूत होता है पाकिस्तान की बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस आएगा। पाकिस्तान का आज रन रेट जो रहा है दोस्तों वो 12 पहुंचा है जबरदस्त तरीके से और पाकिस्तान ने बहुत ही जल्दी इस रन चेस को पूरा कर दिया था। दोस्तों आपका क्या कहना है वीडियो को लाइक तो बनता है आज फखर जमान के लिए और मोहम्मद रिजवान के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। तीनों फ्रेम में ब्लैक कपड़े में है की मेरी ताली अंकल नहीं 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 सपोर्ट कर रहे थे बस फिर भी यार अनबिलीवेबल नॉट आपको मतलब यू हैव टू वाह यार गिव इट टू दिस गाय किसी प्लेयर को सपोर्ट करो ना करो अगर इस तरह की इनिंग खेलता है ना अगर आपने ताली वाह भाई वाह अगर आप देखते हो अगर आप एक क्रिकेट फैन हो तो आज आप जहां पर भी हो ना फकर जमान के लिए खड़े होके एक ताली बजा और एक काम और कर दीजिए खड़े होके सब्सक्राइब कर दीजिए बैठे 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 मुझे पता है क्या देखो इंडिया भी स्पोर्टिंग कंट्री है जहां पे क्रिकेट को बहुत वैल्यू है और पाकिस्तान भी है नर्वस 90s में रहे पर जो इन्होंने बैटिंग करी इन्होंने पता क्या किया भाई हमारे बोलर्स की गलती नहीं थी फकर जमान ने इंश्योर कराया हमारे बोलर्स की गलती नहीं थी विकेट क्या हालत कर दी है विद द बैट अनरियल हिटिंग इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस क्या बल्लेबाजी किस तरीके की चीज आपने जो दिखाई है आज यार जबरदस्त पारी रही है और खतरनाक और ये पॉइंट टेबल अपडेटेड जो है आने वाला है थोड़ी देर में बिल्कुल उसका इंतजार कर रहे हैं जब आपको पूरा बताएंगे। आउट हो गए थे लेकिन फखर जमान ने जिस तरह बैटिंग करनी शुरू की और फखर जमान की बैटिंग आपको 90s की बैटिंग की तरह दिखी होगी जैसे सईद अनवर खेलते थे। मुझे तो फखर जमान को खेलते देख ऐसा लग रहा था कि सईद अनवर ही बैटिंग कर रहे हैं लेकिन एक चेस कर देंगे बट फिर एक विकेट गिरती है फिर दो गिरती है और फिर एंड में जाके रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जाता। और पाकिस्तान जब बाहर निकला जब लगता है ना कि ये टीम गिर चुकी है उसी वक्त ये खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो भाई पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली खासतौर से फखर जमान ने और शायद इस तरह की जो उन्होंने खेली है वो टीम में वो जोश भी भर दी है वो ऊर्जा भी आ गई है। बॉलिंग उनकी अभी भी जो है वो मतलब
बहुत माठी है, बहुत कमजोर है, लेकिन फखर जमान ने आके उनकी बैटिंग को वो चार चांद लगा दिए हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप मैच जीतते हैं बड़ा तो बोलिंग भी सुधर जाती है। अब वही यार, देखो फकर की विकेट गिर जाती है, इसलिए खिलाड़ी जिंदगी भर याद रहता है। मतलब भले यार हम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हारे थे, हाँ। पर यार इसकी नोक याद रहती है, इसलिए नहीं कि इस खिलाड़ी में की रैंकिंग है, एवरेज है, ये अलग कलीजे का। यार आप बाबर आजम की बात करते हो कि पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर, फकर जमान पाकिस्तान के लिए अगर एक पर्सनल आप देखो इनिंग इंडिविजुअल सबसे ज्यादा रन बनाने में टॉप फोर में तीन फकर जमा के हैं। यार ये अलग मिट्टी के इंसान है, एक उनके हैं सही जानवर के पास 194 रन, अदरवाइज इनका एक डबल सेंचुरी किया। पाकिस्तान की हाल फिलहाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है क्रिकेट में? चैंपियंस ट्रॉफी है जो 2000 फकर जमा ने जिताई थी, और क्या। इवन जो बात करें को नहीं, T20 वर्ल्ड कप में आपने उनको कर दिया तीन नंबर, इवन उस मैच भी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच भी इन्होंने कैसी पारी नहीं, मतलब आप एक बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर को, एक ओपनर क्या होता है, ओपनर का काम सिर्फ 100 रन बनाना नहीं होता, और ये रोहित शर्मा ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भाई मैं 100 रन बनाकर मेरा काम खत्म है ना, 100 को 200 में। मैं फखर जमा का देख रहा था, एक एक दोस्तों ये है अमेरिकन पिस्ताचो खाने का असर, बाहरी ऊपर नहीं गए ड्रेसिंग रूम में करके से। इक्वेशन कहती है इंटेंट, और उस इंटेंट में इस बारी थोड़ी सी बाबर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबर आजम इंपैक्ट डाल सकते थे मैच में। हाँ। पाकिस्तान थोड़ा सा डिफेंसिव खेलता, जो पहला डिफेंसिव रहा भी पहला ओवर ठीक है निकाला, लेकिन उसके बाद जो शोडी ने वो दो खराब गेंदें डाली और उसके बाद अगले ओवर में रोज मैंने अपने फकर भाई कहेंगे कि आज जितने रन जीते चाहिए उतने बनाने हैं, ये तो है। फकर भाई वो कह रहे हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं, आज कर दो वो छोड़ने नहीं वाले आज वो कह रहे हैं कि भैया आज किसी ऐसा लगा जिसे लाइन पर लीजिए राहुल रॉबिन जी को, उनको थोड़ा फॉर्म होने की, तो टीम ही एक साथ सारी आउट फॉर्म होने की, सबका फॉर्म एक साथ ही, मतलब ऐसा गया है दो खिलाड़ी के बनाने कौन सा एक होता नहीं, कलेक्टिवली सब कोई नहीं कर रहा है। कौन है इस टीम का बेस्ट बैटर, कौन है अभी कोई नहीं है, बेस्ट बॉलर कौन है कोई नहीं है। कुछ देर के लिए क्रिकेट बनान के सब 400 फकर जमा पाकिस्तान के लिए अगर एक पर्सनल आप देखो इनिंग इंडिविजुअल सबसे ज्यादा रन बनाने में टॉप फोर में तीन फकर जमा के हैं, अलग मिट्टी के इंसान, एक उनके हैं सही जानवर के पास 194 रन, अदरवाइज इनका एक डबल सेंचुरी किया। पाकिस्तान की हाल फिलहाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है क्रिकेट में? चैंपियंस ट्रॉफी है जो 2000 फकर जमा ने जिताई थी, और क्या। इवन जो बात करें को नहीं, T20 वर्ल्ड कप में आपने उनको कर दिया तीन नंबर, इवन उस मैच भी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच भी इन्होंने कैसी पारी नहीं, मतलब आप एक बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर को, एक ओपनर क्या होता है, ओपनर का काम सिर्फ 100 रन बनाना नहीं होता, और ये रोहित शर्मा ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भाई मैं 100 रन बनाकर मेरा काम खत्म है ना, 100 को 200 में। मैं फखर जमा का देख रहा था, एक एक दोस्त इनका 200 है, एक वो साउथ अफ्रीका वाला 193 पे, एक मैच में इनके 180 भी है। प्लेयर फखर जमा पाकिस्तान के लिए अगर एक पर्सनल आप देखो इनिंग इंडिविजुअल सबसे ज्यादा रन बनाने में टॉप फोर में तीन फखर जमा के हैं, यार ये अलग मिट्टी के इंसान, एक उनके हैं सही जानवर के पास 194 रन में, अदरवाइज इनका एक डबल सेंचुरी किया। पाकिस्तान की हाल फिलहाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है क्रिकेट में? चैंपियंस ट्रॉफी है जो 2000 फखर जमा ने जिताई थी, और क्या। इवन जो बात करें को नहीं, T20 वर्ल्ड कप में आपने उनको कर दिया तीन नंबर, इवन उस मैच भी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच भी इन्होंने कैसी पारी नहीं, मतलब आप एक बड़ी पारी खेलने वाले प्लेयर को, एक ओपनर क्या होता है, ओपनर का काम सिर्फ 100 रन बनाना नहीं होता, और ये रोहित शर्मा ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भाई मैं 100 रन बनाकर मेरा काम खत्म है ना, 100 को 200 में। मैं फखर जमा का देख रहा था, एक एक दोस्त इनका 200 है, एक वो साउथ अफ्रीका वाला 193 पे, एक मैच में इनके 180 भी है।